एम मोहम्मद अली योर मैथमेटिक्स टीचर एंड यू आर ऑन यू लर्निंग एक्सरसाइज सेवन पॉइंट फोर क्वेश्चन नंबर थ्री देखें फाइंड द वैल्यूज ऑफ एन एंड आर वेन एन सी आर इज इक्वल टू थर्टी फाइव एंड एन पी आर इज इक्वल टू टू टेन तो सबसे पहले इसको हल करेंगे एन सी आर तो एन सी आर का फार्मूला है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू थर्टी फाइव इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दें और एन पी आर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल टू टेन इजल टू टू टेन इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दें इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय इक्वेशन टू तो एन फैक्टोरियल अवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल अवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन थर्टी फाइव डिवाइडेड बाय टू टेन अब देखें एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी एन माइनस आर फैक्टोरियल ओवर एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू थर्टी फाइव डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वन टू ओवर टेन ये नीचे आ जाएगा वन ओवर टू टेन एन माइनस आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल से कैंसिल एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल से कैंसिल थर्टी वन वन द और थर्टी थर्टी फाइव वन द, थर्टी फाइव और थर्टी फाइव सिक्स द, टू टेन इसके बाद देखें वन ओवर आर फैक्टोरियल वन ओवर आर फैक्टोरियल ये बचा है और वन मल्टीप्लाई वन और वन ओवर सिक्स तो आर फैक्टोरियल को लिख लेते हैं आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू सिक्स तो आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू सिक्स को लिख लेते हैं थ्री टू वन तो आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू थ्री फैक्टोरियल तो आर इसमें आ जाएगा थ्री आर की वैल्यू आ गई है आर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर टू में पुट करने के बाद एन की वैल्यू आ जाएगी तो पुट आर इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन टू तो एन फैक्टोरियल अवर एन माइनस आर इसमें थ्री है थ्री फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू टू टेन तो एन फैक्टोरियल को लिख लेते हैं एन एन माइनस वन एन माइनस टू डिनोमिनेटर में एन माइनस थ्री फैक्टोरियल है तो एन फैक्टोरियल को एन माइनस थ्री फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करते हैं ओवर एन माइनस थ्री फैक्टोरियल जिकल टू टू टेन तो एन माइनस थ्री फैक्टोरियल एन माइनस थ्री फैक्टोरियल से कैंसिल तो so, बाकी वैल्यू बच गई है एन इन टू एन माइनस वन एन माइनस टू इजिकल टू टू टेन अब देखें ये तीन कंजक्टिव नंबर हैं एन एन माइनस वन एन माइनस टू तो टू टेन को आपने तीन ऐसे कंजक्टिव नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर टू टेन आ जाए तो ये आ जाएगा एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू तो ये आ जाएंगे सेवन सिक्स फाइव फाइव सिक्स था थर्टी थर्टी सेवन था टू टेन तो एन इज़ इक्ल टू सेवन एन इज इक्वल टू सेवन एन माइनस वन इज़ इक्ल टू सिक्स तो माइनस वन दूसरी साइड पे जाके प्लस वन हो जाएगा तो एन इज़ इक्वल टू सेवन आ जाएगा एन माइनस टू इज इक्वल टू फाइव तो एन इधर ही रहेगा और माइनस टू उधर जाए प्लस टू हो जाएगा तो एन इज़ इक्वल टू सेवन तीनों सूरतों में एन इज इक्वल टू सेवन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थ्री का सेकेंड पार्ट देखें एन माइनस वन सी आर माइनस वन एन सी आर एन प्लस वन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू थ्री रेशो सिक्स रेशियो इलेवन तो तीन वैल्यू आपको इसमें गिवन है राइट right साइड पे और तीन ही लेफ्ट साइड पे गिवन है तो जब इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले पहली और दूसरी वैल्यू को यहाँ से लेंगे और सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लेंगे फिर दूसरी और तीसरी वैल्यू को सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लेंगे बाद में दोनों को कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेंगे वैल्यू हमने फाइंड करनी है एन और आर की तो सबसे पहले इक्वेशन पहला पार्ट और दूसरा पार्ट लेते हैं या आ जाएगा एन माइनस वन सी आर माइनस वन रेशो एन सी आर तो पहली वैल्यू पहले के इक्वल है तो पहली वैल्यू इसमें थी, थी थ्री सेकंड सेकंड के इक्वल है इज इक्वल टू सिक्स रे, थ्री रेशो सिक्स अब इसको सॉल्व करते हैं एन सी आर का फार्मूला है एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल तो इसमें एन है एन माइनस वन फैक्टोरियल और आर इसमें है आर माइनस वन आर माइनस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर एन इसमें है एन माइनस वन माइनस और आर इसमें आर माइनस वन है रेशो एन सी आर तो एन फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू थ्री रेशो सिक्स, एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर आर माइनस वन फैक्टोरियल तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल रेशो एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल थ्री रेशो सिक्स माइनस वन प्लस वन से कैंसिल तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर आर माइनस वन एन माइनस आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल से कैंसिल तो बाकी वैल्यू बची है एन माइनस वन फैक्टोरियल ओवर आर माइनस वन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल अवर एन फैक्टोरियल थ्री वन द थ्री थ्री टू द सिक्स इज इक्वल टू वन बाय टू एन माइनस वन फैक्टोरियल अवर आर माइनस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल को लिख सकते हैं आर आर माइन आर माइनस वन फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल को लिख सकते हैं एन एन माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन बाय टू आर माइनस वन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल से कैंसिल एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल से कैंसिल तो बाकी वैल्यू बची है आर ओवर एन इजिकल टू वन बाई टू तो इधर से n की वैल्यू हमें मिल गया है n इज इक्वल टू टू आर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एन को वन से मल्टीप्लाई कर दिया और r को टू से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट पार्ट में हमने पहली और दूसरी वैल्यू को लिया था अब हम दूसरी और तीसरी वैल्यू को सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाते हैं तो सेकंड पार्ट और सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन लेते हैं अब इसमें एन सी आर रेशो एन प्लस वन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू सेकेंड वैल्यू सिक्स है और थर्ड वैल्यू सिक्स रेशो इलेवन अब इसको सॉल्व करते हैं एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल रेशो एन इसमें एन प्लस वन है एन प्लस वन फैक्टोरियल और आर इसमें आर प्लस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर एन इसमें एन प्लस वन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू सिक्स रेशो इलेवन एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर Factorial ratio N plus one factorial over R plus one factorial N plus one minus R minus one factorial is equal to six ratio six ratio eleven N factorial R factorial एन माइनस आर फैक्टोरियल प्लस वन माइनस वन से कैंसिल तो यह आ जाएगा रेशो एन प्लस वन फैक्टोरियल अवर आर प्लस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू सिक्स रेशो इलेवन एन फैक्टोरियल अवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये आ जाएगा आर प्लस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल अवर एन प्लस वन फैक्टोरियल इक्वल टू सिक्स मल्टीप्लाई वन अवर इलेवन एन माइनस आर एन माइनस आर फैक्टोरियल से कैंसिल तो बाकी वैल्यू बच गई है एन फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल फैक्टोरियल आर मल्टीप्लाई आर प्लस वन फैक्टोरियल को लिख सकते हैं आर प्लस वन आर फैक्टोरियल ओवर एन प्लस वन फैक्टोरियल को लिख सकते हैं एन प्लस वन इन एन फैक्टोरियल सिक्स और इलेवन एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल से कैंसिल आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल से कैंसिल तो बाकी वैल्यू बची है आर आर प्लस वन अवर एन प्लस वन इज इक्वल टू सिक्स अवर इलेवन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इलेवन आर प्लस इलेवन सिक्स एन प्लस सिक्स आर की वैल्यू यह, यह एन की वैल्यू हमें पता है टू आर तो एन की जगह टू आर लिख लेते हैं इलेवन आर प्लस इलेवन सिक्स एन इज़ इक्वल टू टू आर प्लस सिक्स तो यह आ जाएगा ट्वेल्व आर प्लस सिक्स इलेवन आर प्लस इलेवन आर को एक साइड पे कर लेते हैं इलेवन माइनस सिक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व ट्वेल्व आर माइनस इलेवन आर तो फाइव इलेवन माइनस सिक्स इज इक्वल टू फाइव ट्वेल्व आर माइनस इलेवन आर इज इक्वल टू आर आर की वैल्यू इधर पुट कर दें तो एन इज इक्वल टू टू आर तो आर इज इक्वल टू फाइव एन इज इक्वल टू टेन थैंक यू सो मच इसके अलावा इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं